बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी इंडिया का मीडिया जो है वो मैच से पहले क्या कह रहा है और मैच के बाद जो है वो क्या कह रहे हैं, तो अभी वीडियो को प्ले करते हैं। शहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो हम कह रहे थे सबसे बड़ी विकेटें, सबसे बड़े बल्लेबाज, विराट ने प्लेड ऑन इनसाइड एंड ऑन टू द स्टंप्स और रोहित शर्मा बोल्ड वहां पर हो गए थे, गया यार ये बाहर क्या उसमें से घुस के। अब देखो शहीन शाह अफरीदी टोटली आप जो चुके दो दो ओवर पहले तो उन्होंने डाले और अब आप देख दो दो विकेट जो ऊपर से ले लिए वो ले किसके लिए, और जो नसीम का कैरी दिया दिखा है अभी ना उस तरीके से, अब आप वन चेंज लाओगे तो हारिस रॉफ और श्रेयस अय्यर वाला बॉल भी चढ़ उस टाइम भी वो आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा तगड़ा। हारिस रॉफ का बॉल वैसे ही कैरी करता है उतना तगड़ा। अब आज देखने की भाई आज आपको नया हीरो कोई मिल रहा है कि नहीं या नहीं, अब नए हीरो ही मिलेंगे, अब यहाँ से चाहिए होगा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको एक रविंद्र जडेजा पे ही है, बाकी अभी जो आएंगे थोड़ा संभालेंगे, सेंसिबल बैटिंग करते, आपका टेम्पो शटर डाउन और आप फिर बस अभी भी होगा कि वक्त निकाल दो यार, अभी भी वही चीज होगी, देखो अब वही है कि आगे देखने क्या रहता है, वाइड अब तो और चढ़ के डालेंगे टेम्पो शटर डाउन और आप फिर बस अभी भी होगा कि वक्त निकाल दो यार, अभी भी वही चीज होगी, देखो अब वही है कि आगे देखने क्या रहता है, वाइड अब तो और चढ़ के डालेंगे। वेल बोल्ड शाइन अफरीदी, कमाल वेल बोल्ड शाइन अफरीदी, क्या 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 आउट करते हैं आप, बस सबको पता है आखिरी बात नहीं है ठीक है ना, आप जितना मर्जी वहां पे प्रिपरेशन फलाना हम वनडे नहीं खेलेंगे ठीक है, आई नो दिस इज जस्ट वन ऑफ गेम, बट शॉकिंग कि हिंदुस्तान में टॉस जीतेगा बैटिंग करेंगे, बैटिंग कहां से करेंगे। शाइन शाह अफरीदी इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ एज ऑफ टुडे, ही इज कह के आउट करता है बंदा, कह के आप भी भाई साहब आप भी भाईजान, आज मैं गली में जप्फी डाल लूंगा कल लेकिन मैं आपके डंडे पे मारूंगा कहके, और आपको 12 मिनट का ऑफ रहता है, यू कीप प्लेइंग दैट इन योर माइंड। बोला निखिल ने कि वो बात कर रहे हैं रोहित ऐसे आउट होंगे वो ऐसे आउट, सानी बॉलिंग बात हो रही थी ना, अच्छी बॉलिंग है ये, वो तो देखिए आपने उनको एडवांटेज क्यों दिया, हम लोग आप रस्टी आए हो, आप बिना क्रिकेट खेले आए हो, मुंह उठा के आ गए, आपने हम करते हैं जी बैटिंग, और भाई पहला आधा घंटा आप उनको कहो आप आओ बैटिंग हमारे बुमराह जी बॉलिंग करेंगे शायद आप भी दो आउट कर देते, इट वॉज अबाउट द न्यू बॉल। पर सर अगर वर्ल्ड की बात है तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आके शाइन के सामने ये गेम प्लान नहीं लेके आएंगे ना कि हम एक शाइन में चले जाते हैं, मतलब वर्ल्ड में अगर हम बात करें वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर शाहीन शाह दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से आएंगे, हालांकि मैं इस बात पे ये डिबेटेबल है, खैर किसी को एक हो सकता है क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी टीम इस बार को बार बार कर रहा है, चार दो आउट कर दिए तो दुनिया के बेस्ट, आई डोंट थिंक शाहीन शाह अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शायद तीन छक्के मिचेल मार्श आएंगे तब खड़काएंगे तो मैं भूलेंगे, ये हमने अपने लिए की बात है, हमने अपने लिए उनको वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर बना लिया है और वो हमारे दिमाग में घुसे पड़े, हमारे यहाँ ही छेद है ना, हम अगला मैच खेलेंगे ट्रेंट बोल्ट हो जाएंगे दुनिया के बेस्ट, हम अगला किसी और दुनिया के बेस्ट, आप खेलते कैसा हो ये भी है, हाँ टॉप ब्रैकेट घुसा गए थे ना फोर्थ में शाही, नो डाउट टॉप ब्रैकेट में, बट ऐसा नहीं कीजिए बहुत फास्ट हो गए क्योंकि और बाकी गेंदबाजों के बीच यही दो विकेट शायद नसीम की हो सकती है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी शाही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, अंदर बॉल लाते हैं राइट हैंडर को, यही चीज अगर आप देखें जो आज शाहीन शाह अफरीदी ने करा है, हम जो जिस बात का डरते हैं यही डर हमें ट्रेंट बोल्ट से भी लगता है, यही डर आपको जेसन बेरेंडोफ धर्मशाला था ना, धर्मशाला में जो आपको पूरा चार पांच धर्मशाला लेफ्ट आर्म मोहम्मद आमिर हर कोई आपको ऐसी परेशान कर जाता है ना, इसीलिए अब आप देखो आज क्या अल्हम्दुलिल्लाह दो बैट्समैन अभी तक आउट हुए हैं, वो ऐसे आउट हुए हैं कि टीम बोलती होगी कि यार देखो एक काम करते हैं यार इनको तो ना ऐसा है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वो ऑफ और मिडिल में पिच करेगा ऑफ में और बॉल अंदर ले आना देख लिया जाएगा, उसके बाद दूसरा जो है मैं रोहित शर्मा, उसके बाद दूसरे केएल राहुल के लिए भी हालांकि वही चीज होती थी
ठीक है, उसके बाद ये श्रेयस अय्यर इनको छोटी बॉल डाल दे। राहुल सोच रहे होंगे बच गया मैं या बचा तो ये उनको बचाने का भी हो सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली से बचना ये खेल है, भाई देखो आज हम राहुल और श्रेयस अय्यर को हम जब लेकर आए थे हम इसलिए नहीं लाए थे, तैयारियां तो शुरू हो गई थी ना उनके बैकअप प्लान की, तैयारियां तो हो गई थी।